हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं करौंदे का खट्टा मीठा गुड़ वाला अचार। बहुत टेस्टी और चटपटा बनता है ये। इसे पूरी, पराठे, रोटी के साथ खा सकते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो एक बार में बनाकर पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम करौंदा ले लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है मैंने कपड़े से पोंछकर। अचार बनाने के लिए करौंदों को दो टुकड़ों में कट करके इसके अंदर जो बीज है उसे हटाना है। ऐसे चाकू के नोक से बीज हटा लेंगे और कटे हुए करौंदों को दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। सारे करौंदों को कट कर लिया है और बीज हटा दिया है। अचार के लिए करौंदा लेते टाइम ध्यान रखना है कि करौंदा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, गला हुआ या दाग वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। एक साइड में रख लेते हैं। एक पैन ले लिया है, 200 ग्राम गुड़ ले लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के। एक छोटा ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, गैस को मीडियम पे कर लेंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, एक दो उबाल आने देंगे अच्छे से गुड़ में। अच्छे से उबाल आ चुका है, उतार के एक साइड में रख लेंगे। कढ़ाही रखेंगे, कढ़ाही को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाही गरम हो चुका है, एक बड़ा चम्मच सरसों ऑयल, ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच सौंफ ले लिया है, 1/2 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर लेंगे, 1 पिंच हींग। पकने देंगे थोड़ी देर सारी चीज़ों को। कटा हुआ करौंदा ऐड कर लेंगे, चलाएंगे, ढक्कन लगा देंगे। करौंदे को 2.5 से 3 मिनट पकने देंगे, बीच बीच में एक दो बार चला देंगे। चेक कर लेते हैं, फिर से ढक्कन लगा देंगे, चेक कर लेते हैं। करौंदा सॉफ्ट होने लग गया है। गुड़ वाला सिरप ले लिया है, छान कर रखेंगे क्योंकि गुड़ में अक्सर ही इम्प्योरिटी होती है। आप देख पा रहे होंगे बारीक बारीक रेशा सा निकल गया है। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रहने देंगे। बाकी के मसाले भी ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड कर लेंगे। 10 से 15 दाने किशमिश के मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। चाशनी चेक कर लेते हैं। ऐसे देखने से तो गाढ़ा होने लग गया है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी चाशनी लेंगे, ऐसे उंगली में लेंगे। आप देख पा रहे होंगे हल्की सी तार निकलने लग गई है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, गैस को ऑफ कर लेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल स्टिकी सा हो जाएगा तो अचार खाने में अच्छा नहीं लगेगा। आप देख पा रहे होंगे देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। हमारा करौंदे का खट्टा मीठा अचार बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसे साफ़ सुथरे एयर टाइट जार में बंद करके पूरे साल खा सकते हैं। अचार आपको जब भी निकालना हो तो साफ़ सुथरे चम्मच या हाथ से निकालें तो आपका अचार काफ़ी दिन तक चलेगा। तो आप भी इस तरीके से करौंदे का गुड़ वाला खट्टा मीठा अचार एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।